साम्यवाद क्या है इसके बारे में चर्चा करना है। यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा माना जाता है। जैसा कि कहा जाता है कि इस अवधारणा में किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होना चाहिए, यह पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करता है। इसमें मजदूरों को उसके योग्यता और आवश्यकताओं के अनुसार आय दी जाती है। इसमें किसी विशेष व्यक्ति की भागीदारी नहीं होनी चाहिए। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को उसके आवश्यकता के अनुसार कार्य और आवश्यकता के अनुसार आय देनी चाहिए। इस तरह से साम्यवादी व्यवस्था में समाज में एक विकास की ओर अग्रसर होना है। जैसा कि प्रसिद्ध समाजशास्त्री इसके बारे में चर्चा की, जिनका नाम कार्ल मार्क्स और एंजिल माना जाता है, उन्होंने साम्यवादी व्यवस्था में कहा है कि किसी समाज के विकास के लिए साम्यवादी व्यवस्था होना चाहिए। उसमें एक विशेष व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए और इस तरह से विकास के लिए किसी व्यक्ति विशेष की जरूरत नहीं है। जो आय होता है उसे समाज के लिए रखा जाए और प्रत्येक व्यक्ति उस व्यवस्था को अपनाते हुए आगे बढ़ें। उत्पादन को समान वितरण होना चाहिए जिससे समाज का विकास हो सकता है। यही साम्यवादी व्यवस्था है। जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा है कि एक समय ऐसा आएगा जब साम्यवादी व्यवस्था रहेगी। धन्यवाद।